आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान चला रखा है। इस मिशन के तहत बुधवार को उप श्रमायुक्त कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सहायक श्रमायुक्त डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने विभागीय कर्मचारियों को महिलाओं के सम्मान के लिए शपथ ग्रहण कराई। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान चला रखा है। इस मिशन के तहत बुधवार को उप श्रमायुक्त कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सहायक श्रमायुक्त डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने विभागीय कर्मचारियों को महिलाओं के सम्मान के लिए शपथ ग्रहण कराई। सहायक श्रमायुक्त डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत विभाग की तरफ से आगामी दिनों में जनपद में श्रमिक महिलाओं के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें विभाग द्वारा महिलाओं के लिए जितने भी उनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं या फिर उनके अधिकार जो हैं उन्हीं सब के लिए महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु जगह जगह विभाग द्वारा कैंप लगाए जाएंगे, संगोष्ठियां रखी जाएंगी। इसी में हमारा प्रयत्न ये भी रहेगा कि विभाग द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उनमें विशेषतः जो महिलाएं हैं अगर उनको अवार्ड किया जा सके तो उन अवार्ड हम कराएंगे इस दौरान। यही पूरी कार्य योजना दिसंबर माह तक विभाग ने बनाई है। हमारे कार्यालय में मिशन शक्ति 6 माह का चलाया जा रहा है और उसमें निरंतर प्रोग्राम होते रहते हैं। हम लोग महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला श्रमिकों के उत्थान के लिए तरह तरह की योजनाओं के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं कि महिलाएं जो जागरूक होके अपने हमारे विभाग से जो संचालित योजनाएं हैं उसमें प्रतिभाग करें और उसको लाभान्वित हों उसमें। तो इस तरह से भी हम लोग मिशन शक्ति को प्रमोट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और क्योंकि हमारा विभाग जो चूँकि श्रम विभाग है तो महिला श्रमिकों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय, महिला सशक्तिकरण के उत्थान के लिए या उसको क्रियान्वयन के लिए। श्रम विभाग की मिशन शक्ति की नोडल अधिकारी सुप्रिया द्विवेदी ने बताया कि विभाग की तरफ से महिला श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस अभियान में श्रमिक महिलाओं को चिन्हित कर इन योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। और उप श्रमायुक्त कार्यालय आगरा 32 गार्डन रोड में मिशन शक्ति अभियान एक प्रायोजित किया जा रहा है और इसको एक सफल बनाने के लिए हम लोगों ने एक विस्तृत वृहद कार्य योजना का शुभारंभ किया है और महिलाओं के सम्मान के लिए, सशक्तिकरण के लिए, स्वाभिमान के लिए, उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए सभी लोग यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं और इस प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आज यहाँ पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया गया जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया और ये बहुत प्रशंसा और सराहनीय बात है कि सभी लोग महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए प्रतिबद्ध हैं। मिशन शक्ति कार्यक्रम जैसा कि हम सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे देश की हर एक महिला सशक्त बने। इसी उद्देश्य से हमारे कार्यालय में आज हम सभी ने शपथ ग्रहण करवाई और करी कि हम हर महिला का सम्मान करेंगे और उसे उसके अधिकार दिलाएंगे। श्रम विभाग से भी बहुत सारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं महिला श्रमिकों के लिए, जिसमें उन्हें समान वेतन दिलाने की योजना हो, चाहे जितने उनके अधिकार हैं जो एक पुरुष को होते हैं, वो सभी योजनाएं तो इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान को जनपद की महिला श्रमिक खासा पसंद कर रही हैं। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।